हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूँ नेहा। गाइस, आज हम जो है ये देखिए मेरे पिटूनिया और हैं, ये जो जंगली पिटूनिया है ये वो वाले हैं। ये देखिए जेट्रोफा, बहुत फ्लावर्स आ रहे हैंगे जेट्रोफा पे भी। गाइस, आज हम जो है एस्पैरागस फर्न के बारे में बात करेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर प्लांट है। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हो, इसी में से आप इसको कैसे डिवाइड करोगे प्लांट को और इसकी केयर, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको इस वीडियो में गाइस। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना गाइस, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस और मेरी वीडियो को लाइक करना। तो गाइस, जो ये प्लांट है, फर्न है, ये अलग अलग फर्न आती है, जैसे फॉक्सटेल फर्न, बोस्टन फर्न, अलग अलग है गाइस। तो ये एस्पैरागस फर्न है। ये देखिए बहुत ही बुशी, आप इसको गाइस पहले आप ये देख लीजिए, आप इसको पॉट में लगा सकते हो, आप इसको शैलो पॉट में भी लगा सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा वो डीप गहराई वाले पॉट की जरूरत भी नहीं होती, और ठीक ठीक उसकी डेप्थ हो। और गाइस, आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट में गाइस ये वाला प्लांट बहुत सुंदर लगता है, पॉट में भी और हैंगिंग में भी। देखिए मेरा पॉट में लगा हुआ है और हैंगिंग में भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और पॉट को गाइस ये एकदम फिल कर लेता है, पूरा भर लेता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है ये प्लांट। ये देखिए मेरा प्लांट, ये देखिए मेरा जो ये पॉट है बिल्कुल भरा हुआ है, और देखिए मेरा पॉट, ये देखिए छोटा पॉट नहीं है, 10 इंची 12 इंची का पॉट है ये, और ये देखिए पूरा ये फिल हो रखा है एकदम, इसने चारों तरफ से पॉट को बिल्कुल कवर कर रखा है गाइस। ये देखिए पॉट तो दिखाई देता ही नहीं कि पॉट कहाँ है। ये देखिए मैंने स्टैंड पे लगा रखा है इस पॉट को, और ये देखिए पूरा एकदम भरा पड़ा है, खूब गुच्छा एकदम ना ऐसे, ये बहुत भारी भारी से लटक रहे हैं ऐसे, जो दिखा रही हूँ मैं आपको, मतलब काफ़ी हैवी हो रखा है। और देखिए जो ये आपको ये सूखे दिख रहे हैं लीव्स गाइस, इसको हटा देना है, इसको बिल्कुल नहीं रहने देना है। देखिए ये आपने इसको हटाते रहना है आपने इसको। और गाइस जो ये है, ये ट्यूबर्स होते हैं इसके, उससे डिवाइड होते हैंगे, और खूब काफ़ी क्वांटिटी में गाइस ये बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारे स्पाइडर प्लांट में होते हैं बल्ब टाइप से होते हैं ना, वो पानी वाले उस टाइप से होते हैंगे। तो गाइस अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करते हैं, समर में आपने इसको डेली वाटरिंग करनी है, डेली वाटर देना है और अच्छे से स्प्रे करके देना है इसको वाटर, और फुल सन में रखना गाइस। मैंने इसको फुल सन में रखा हुआ था, बस आपने एक ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इसमें, डेली वाटरिंग और शॉवरिंग करनी है। और वाटरिंग गाइस क्या है कि आप जो पॉट की जो आपने सोयल है ना गाइस, वो बिल्कुल फुल ड्रेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने आधा पॉट भरा हुआ है और आधा स्पेस आपका पॉट में पानी आ सकता है, और आप डेली वाटरिंग कर रहे हो, पॉट को खूब भर दे रहे हो और पानी उसके अंदर ठहर जा रहा है, उससे क्या है आपका प्लांट बिल्कुल जो है मर जाएगा। मेरा जो ये पॉट है बिल्कुल फिल है, सॉइल से बिल्कुल ऊपर तक फिल है, बिल्कुल भी ऐसा स्पेस नहीं है कि मैं पानी डालूँ तो इसमें भरा रहेगा, नहीं। तो इसलिए मैं इसमें डेली वाटरिंग करती थी अच्छे से, और इसको खूब अच्छे से शावरिंग करती थी, ऐसे पानी डाल के मग्गे से खूब इसको नहला देती थी। और मेरा ये फुल सन में था, इस जहाँ मैंने रखा हुआ है इस लोकेशन में पूरी धूप आती है गाइस, अच्छे से धूप आती है, और कुछ नहीं हुआ इसका, बिल्कुल ठीक है। और नहीं तो गाइस आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे रख सकते हो कि इस पर फुल डे सन ना पड़े, या फिर अगर आपने नेट लगा रखी है तो आप नेट के नीचे भी रख सकते हो। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसको सन में भी रख सकते हो, बस आपने वाटरिंग का ध्यान रखना है कि आपने वाटरिंग करनी है। और जो विंटर का टाइम है गाइस, सर्दियों में जो है ये डोरमेंसी में चला जाता है, प्लांट मरता नहीं है, परमानेंट प्लांट है, डोरमेंसी में चला जाएगा, और जैसे ही इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा अच्छे से ये ग्रो करने लग जाएगा गाइज। और बहुत ही सुंदर लगता है, देखिए इसके लीव्स इतने सुंदर है, और ये रखा हुआ गाइज ऐसा लग रहा है कि ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट होता है ना, ऐसे रखा हुआ है। अगर ये मैं इकट्ठे इसको, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4-5 पॉट में लगा के ऐसे इकट्ठे रख दिया, अगर आपकी बालकनी है कहीं है तो बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए ऐसे बॉल टाइप से बना हुआ है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो गाइज। आपको मैंने इसका धूप का ही बता दिया। और गाइज अगर इसके हम फर्टिलाइज़र की बात करें,
तो जब आप इसकी सॉइल बनाते हो, मैं आपको पहले सॉइल बताती हूँ जो आपने इसकी सॉइल बनानी है गाइस, आपने इसमें लेना है 40% जो है आपने गार्डन सॉइल लेनी है आपने, और 30% जो आपने लेना हैगा सैंड लेना है गाइस, और 20% जो लेनी है आपने वो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, लीफ कंपोस्ट है, काव डंक है, आप ये ले सकते हो गाइस इसमें। और गाइस आपने सॉइल बना ली, उसमें आप फंजीसाइड और नीम खली बोन मील डाल के आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। और गाइस जो हमने इसमें वो देना है फर्टिलाइज़र देना है, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड दे सकते हो, काव डंक का लिक्विड दे सकते हो, क्योंकि गाइस इसमें फ्लावर्स नहीं है तो लीव्स हैं, तो लीव्स के लिए हमने क्या करना है, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है हमने वो वाला फर्टिलाइज़र इसको देना है। तो आप इसको ये दे सकते हो आराम से, बहुत अच्छा चलता है अगर इसका लिक्विड आप दोगे। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब इसका ग्रोइंग पीरियड जो होता है, समर होता है इसका ग्रोइंग पीरियड गाइस, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे ही हमारा फैब लास्ट में आता है, मार्च स्टार्ट होता है, तो आप इसके अंदर पॉट से साइड साइड से थोड़ी सी जो इसकी सॉइल है वो निकाल के आप वर्मी कंपोस्ट ऐसे डाल दीजिए। अगर इतना बड़ा पॉट है तो 2 से 3 मुट्ठी आप डाल दीजिए और उसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। और जो इसके बाद आपने इसको 15 से 20 दिन के गैप पे आपने इसको लिक्विड दे सकते हो आप, वर्मी कंपोस्ट का और काव डंग का दे सकते हो आप। और गाइस आप इसको सीवीड का भी दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा काम करता है और आपका जो पॉट एकदम ऐसे फिल हो जाएगा। तो गाइस एक आपने ये काम करना है, फर्टिलाइज़र आपने इसको ऐसे देना है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको दूर से भी दिखा रही हूँ। और गाइस अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको डिवाइड कैसे करना है। देखिए मैंने जो आपको दिखाया हैंगिंग में लगा हुआ था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के कि इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। हमने क्या करना है अपने पॉट में से, देखिए मेरे बहुत बड़े पॉट में लग रहा है ये ऐसे हैंग होता हुआ, ये देखिए बहुत सुंदर लगता है गाइस ये हैंग करता हुआ। तो आप इसको दोनों पॉट में लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये। ये देखिए ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये ऐसे निकाल देना है। ये देखिए ये गाइस इसके, ये देखिए ये ट्यूबर्स हैं इसके, ये देखो ये देख रहे हो इसमें जो, ये देखिए इसमें पानी सेव होता है। ये देखिए ये ऐसे ट्यूब ट्यूब से होते हैं, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। ये देखिए सिर्फ आपने ऐसे लेना, उसमें से निकाल लेना है पॉट में से, और ऐसे रख के सिंपली इसको आपने कवर कर देना है। ऐसे आपने इसको रिपोर्ट करना है गाइस, बहुत जल्दी डिवाइड होता है, बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है प्लांट, आप इससे बहुत ही प्लांट बना सकते हो और बहुत इजी है। तो ये इसको ऐसे गाइस आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। जो इसकी सॉइल है गाइस वो वेल ड्रेन बनानी है, पानी नहीं भरा होना चाहिए। और गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। ओके गाइस, बाय बाय।